वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे बॉम्बे स्टाइल सेव पूरी, जो टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और उसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए उसे परफेक्टली किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेव पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए पूरी, खजूर और इमली की चटनी, टमाटर, बॉईल किए हुए आलू, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, टोमेटो केचप, ब्लैक सॉल्ट, गरम मसाला, ग्रीन चटनी, रेड पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और नायलॉन सेव। सबसे पहले हमने जो खजूर और इमली की चटनी ली है उसमें ये टोमेटो केचप मिक्स कर देंगे। ये चटनी बनाने के लिए हम खजूर की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे और इमली थोड़ी सी ही लेनी है, और अराउंड हाफ कप चटनी हो तो उसमें 1.5 टेबल स्पून जितना हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे। और ये चटनी को हमें ठीक रखना है। अगर आप ऑनियन गार्लिक खाते हो तो आप जो मार्केट में रेडी स्वीट एंड सॉर सॉस मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हो इसके बदले। ये मिक्स हो चुका है। अब हम प्लेट में जो सेव पूरी के लिए इस तरह की जो पूरी आती है वो लेंगे। अभी मैंने रेडीमेड यूज़ की है, लेकिन आप इसे घर पर बनाना चाहो तो मैदे में आप नमक और तेल ऐड करके उसका आटा लगा के ये पूरी बना सकते हो। अब हम इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे। मैंने अभी इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। आप मैश करना चाहो तो मैश करके भी इसे ऐड कर सकते हो। कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को हमें बीज निकाल के ही कट करना है। आप ऑनियन खाते हो तो ऑनियन भी आप टमाटर के साथ मिक्स करके ऐड कर सकते हो। रेड पेस्ट ऐड करेंगे। ये किस तरह से बनाना है वो मैंने पहले ही चैनल पे बताया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। मैंने इन तीनों, दो रेड पेस्ट, ग्रीन चटनी और मीठी चटनी, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। अब जो मीठी चटनी और टोमेटो केचप हमने मिक्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे, जिसे ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं। गरम मसाला, जो भी आप रूटीन में यूज करते हो वो ले सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। बेसन की जो नायलॉन सेव आती है वो ऐड करनी है। आप अगर गार्लिक खाते हो तो रेड पेस्ट बनाने के टाइम पे आप उसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हो। गार्निशिंग के लिए थोड़ा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हमारी बॉम्बे स्टाइल सेव पूरी सर्विंग के लिए रेडी है। ये बहुत ही क्विक और टेस्टी रेसिपी है, तो आप भी एक बार बना के जरूर ट्राई करें, आपको भी ये पसंद आएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।